इंपॉर्टेंट मिजोरम की अंग्रेजी, क्योंकि वहां क्रिश्चियन लोग हैं, लोग इज्जत सत्कार दिए लोग, उन लोगों ने क्या बन गए क्रिश्चियन। 89% नागालैंड में क्रिश्चियन हो गए, मिजोरम में 93% हो गए, हिंदू माइनॉरिटी में चल गए आदिवासी समाज, और जो वहां के गरीब लोग थे उनसे इतना ना अत्याचार किया, इतना ना अत्याचार किया, और वहीं पहुंचे ईसाई मिशनरी, उन्होंने गुड मॉर्निंग कह के बोला। मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप खान सर को नहीं जानते होंगे। आप खान सर को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि खान सर एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, और मेरे प्रियो वे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और उस इंस्टीट्यूट से लाखों बच्चे पढ़कर और खान सर से अच्छी शिक्षाएँ प्राप्त करके आज ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर नियुक्त हैं। मेरे प्रियो आज सुबह के समय में जब मैंने खान सर का एक वीडियो देख रहा था, उसमें उनका टाइटल ये था कि आखिर भारत में प्रतिदिन हिंदू समाज या हिंदू लोग अल्पसंख्यक क्यों होते जा रहे हैं। और जब मैंने उस वीडियो क्लिप को खोल कर देखा तो मैंने सोचा कि ये वीडियो क्लिप आपके बीच में भी शेयर किया जाए। मेरे प्रियो आप इस वीडियो क्लिप में देखेंगे कि किस प्रकार खान सर ने मसीही लोगों की तारीफ की, और उन्होंने बताया कि मसीह लोग कैसे हैं, ईसाई लोग कैसे हैं, और क्यों आज लोग मसीह समाज में मिलते जा रहे हैं, और आज क्यों भारत के अंदर हिंदू लोग अल्पसंख्यक हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। नागालैंड और मिजोरम में लोगों ने छोटी जाति आदिवासी समाज और जो वहां के गरीब लोग थे उनसे इतना ना अत्याचार किया, इतना ना अत्याचार किया, और वहीं पहुंचे ईसाई मिशनरी, उन्होंने गुड मॉर्निंग कह के बोला। तो कह के ये कौन प्राणी है सब भाई, हमको लोग दुत्कारता है और छूत कहता है, ये आके गुड मॉर्निंग बोल रहा है। घरे ले गया सब खाना खिलाने के लिए, बैठा के डाइनिंग टेबल पे साथ में चम्मच से खाना खाया, एक ही जगह से सब किया। कहा कि भाई ये कहाँ से आया सब भाई, हम लोग को लोग अजीब अजीब शब्द से बोलता था, छोटी जात तो ये, छुआ जा तो हमसे नहाता था यहाँ पे, नहीं समझ नहाता था। अच्छा ये बताओ, अगर कोई अछूत किसी बड़े जाति को छू के उसे अपवित्र कर सकता है, तो बड़े जाति वाला उसे छू के शुद्ध क्यों नहीं कर सकता? इसका मतलब ज्यादा पावर किसके पास है, ज्यादा वोल्टेज है उसके पास, उनका बैटरी है भस्का दिया नहीं भस्का दिया होता है यहाँ पे शिक्षा दो चीजों से होता है, एक आपको शिक्षा कैसी मिली है, दूसरा माहौल कैसे मिला। हम लोग को माहौल में जब सावन में हम लोग के यहाँ अगल बगल में जितनी कम्युनिटी थे सब लोग सावन में नॉनवेज छोड़ देते थे, हम लोग को पता ही नहीं चला कि काहे छोड़ा जाता है, लेकिन बचपने से पता है कि सावन में नहीं खाया जाता है। बाद में ना दिमाग आता है कि खाना है कि नहीं खाना है, तब तक तो आदत लग चुकी रहती है। अभी सावन एक महीना चल रहा है ना, यहाँ कोई नॉनवेज नहीं खा रहा है। इधर एक हफ्ता पहले एक फंक्शन था, पार्टी था, तो हम लोग गए थे, हमारे यहाँ नहीं था, कहीं और था, वहाँ बहुत सारे लोग नॉनवेज खाने वाले थे। जो मेरे साथ बैठे थे टेबल पे ना, वो नॉनवेज ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि बड़े होटल में जाइएगा ना तो वहाँ टेबल पे ये ले आया, तो धीरे से इशारा करा मतलब इनके साथ खाना है नॉनवेज नहीं, तो अपने अपने लोगों के साथ असिस्टेंट के साथ बोल रहे थे, किसी का सेक्रेटरी था, किसी का पीए कोई, ए खान सर बैठे हैं, धीरे से खान सर बैठे ना, नॉनवेज उधर छोड़ दो, ले आ यहाँ पे, हम खुद ही इंतजार कर रहे हैं सावन खत्म होने का लेकिन माहौल का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, पक्का खाता लोग निकलवा लिया था, लेकिन हम थे ना नहीं यहाँ पे, हमको भी नहीं पाया, बचपन से देखे थे जिन लोगों के साथ खेले कूदे बड़े हुए वो लोग नहीं खाए तो हम भी छोड़ दिए यहाँ पे, बट वो लोग अच्छे थे, लेकिन अगर वो लोग हमारे साथ खराब व्यवहार करते ना तो हम भी खराब व्यवहार करते। तो क्रिश्चियन ने इसी चीज को अपनाया, आप अगर रियल में चाहते हैं ना कि कोई आपके धर्म की ओर आकर्षित हो तो उसका एक ही रास्ता होता है कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, क्योंकि खराब करिएगा ना तो अपने धर्म के प्रति और कट्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बताइए कोई इजराइल से आएगा और अपने धर्म को अच्छा बोलेगा आपके धर्म को खराब बोलेगा तो आप एको दिन पूजा पाठ नहीं करते होंगे, लेकिन कहते हैं बताइए तो अबे तो रहा हम यहाँ पे, नहीं समझ में आया, सावन में नंदी छोड़ देंगे पीछे
तो माहौल का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो कैसी परवरिश हुई है, शिक्षा क्या मिला है, और उससे ज्यादा असर करता है माहौल कैसा। गुजरात की राजभाषा, अब नागालैंड मिजोरम की अंग्रेजी, क्योंकि वहां क्रिश्चियन लोग हैं, लोग इज्जत सत्कार दिए लोग, उन लोगों ने क्या बन गए क्रिश्चियन, 89% नागालैंड में क्रिश्चियन हो गए, मिजोरम में 93% हो गए, हिंदू माइनॉरिटी में चल गए माइनॉरिटी में, 10% से संख्या घट जाएगी, किसमें चल जाएंगे माइनॉरिटी में। अब लो ना, उन्होंने तलवार चलाया, ना गोली चलाया, ना कुछ दिया, ना कुछ इज्जत सत्कार दे दिया, अब इन लोग को हवा लगा है कि अरे बाप रे बाप। तो लोग क्या कहे भाई, भेदभाव किसने किया था, हर इंसान को इज्जत से जीने का अधिकार चाहिए, आप उसको आप लोग बेइज्जत कर देंगे। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार खान सर ने मसीही लोगों की तारीफ की और कहा कि जो मणिपुर की तरफ और नागालैंड में यानी कि वेस्टर्न तरफ बहुत ही ज़्यादा मसीह लोग पाए जाते हैं, 93%, 90%, उससे भी ऊपर परसेंटेज, क्यों? क्योंकि खान सर ने बताया कि जो मसीह लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, और जब उनको सम्मान दिया जाता है तब वहाँ के लोगों ने सोचा कि ये कैसे लोग हैं, क्योंकि समाज के द्वारा हम लोगों को धिक्कारा जाता है। आप जानते हैं मेरे प्रियो कि हमारे भारत देश में छुआछूत अभी भी है, जो अपने आप को बड़ी जाति कहते हैं, ब्राह्मण शर्मा वर्मा जितने भी लोग हैं ये सोचते हैं कि हम बड़ी जाति हैं, और जो एसटी और एससी के लोग हैं और जो शूद्र जाति के, उन्हें ये छोटी जात करके मानते हैं, और ये जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, ऐसे जाति को मंदिर में नहीं घुसने देते, ऐसी जाति के साथ खाना पीना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भारत में इस प्रकार का प्रचलन आप देख रहे हैं, लेकिन मसीही लोग किसी के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, और वे चाहे कोई भी जाति हो, क्योंकि परमेश्वर ने कोई जाति या धर्म नहीं बनाया, उसने मानवता को बनाया। तो मसीह लोग इस शिक्षा पर चल रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने कार्यकाल में उन्होंने कभी भी छुआछूत नहीं किया, वे उन लोगों के बीच में जाते थे जो समाज उनको धिक्कारता था, और आज भी मसीह लोग उन लोगों के बीच में जाता है, उनके बीच खाना खाता है, उनको गले लगाता है, अच्छी शिक्षाएं देता है, सम्मान करता है, तो लोग आकर्षित होते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे समाज में हमको धिक्कारा जाता है, जहां पर हमारे साथ छुआछूत का भेदभाव रखते हैं, लेकिन ये समाज एक ऐसा समाज है जो भेदभाव नहीं रखते हैं, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के समाज में मिलते जा रहे हैं। यही बात खान सर ने भी बोला कि हमारे बीच में जो समाज है, पर्यावरण है, माहौल है, इसमें माहौल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो कि मसीही लोगों के अंदर है, ईसाई लोगों के अंदर है, ये खान सर ने बोला। मेरे प्रियो, हम अगर दूसरों को आदर देंगे तो लोग हमारा आदर करेंगे, यदि हम दूसरों को अपमान करेंगे तो लोग भी हमारा अपमान करेंगे, इसलिए बिना भेदभाव के, बिना छुआछूत के हम सभी से प्रेम करना है, क्योंकि यीशु मसीह की यही शिक्षा है। लेकिन भारत देश में क्या हो रहा है मेरे प्रियो, आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसमें लोग छुआछूत करते हैं, जिसमें लोगों का धिक्कारा जाता है, जिसमें लोगों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, और आप जानते हैं कि आज के बाबा लोग जो बन बैठे हैं वो हमेशा से लोगों के बीच में भड़काऊ भाषण देते हैं और छुआछूत करते हैं। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। खान सर को प्रभु बहुत आशीष दे, ऐसे ही वो बढ़ते जाए और एक दिन वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से जान ले और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर ले। सो परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छा आशीष दे। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रभु में बने रहिए। सबको जय मसीह की।